हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे टर्बो सी प्लस प्लस या फिर टर्बो सी को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कहां पर? विंडोज 10 के अंदर। विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, सेम प्रोसीजर रहेगा। और साथ साथ में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद एक प्रोग्राम मैं आपको रन करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, पहले इस वीडियो को देखना और साथ में जहां से इंस्टॉल करना है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप वीडियो को देखना, पहले प्रॉपर प्रोसीजर देख लेना, फिर उसके बाद इंस्टॉल करना। यह कंफर्म्ड है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आराम से आप इंस्टॉल कर लोगे सॉफ्टवेयर को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल क्रोम ओपन करेंगे। ये मैंने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया। अब यहां पर सिर्फ आप सर्च करो डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस, साथ में लिखना डॉस बॉक्स। क्या लिखा? डॉस बॉक्स। टर्बो सी प्लस प्लस और सी का सॉफ्टवेयर सेम होता है, तो क्या लिखा? डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस डॉस बॉक्स। किसके लिए करना है? विंडोज। अगर जैसे मेरा विंडोज 10 है तो मैं विंडोज 10 लिख दूंगा, अगर आपका 7 होगा तो 7 लिख देना, ठीक है। अब इसके पास जैसे ही यहां पर करोगे, बहुत सारे हमारे पास लिंक्स आ रहे हैं, तो हमने सबसे फर्स्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये वेबसाइट ओपन होगी, अब हम क्या करेंगे, यहां पर ऊपर आ रहा है डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, देखो लिखा आ गया डाउनलोडिंग। अब यहां पर क्या होगा, एक फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, ये नीचे हमारी एक फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं, ये पूरा एक फोल्डर जिप फाइल का फोल्डर होगा, ये हमारा डाउनलोड हो जाएगा। अब हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, डबल क्लिक करा, ठीक है। जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो जहां पर इंस्टॉल है वहां पर आ जाएगा। अब ये जिप फाइल आ रही है, तो जिप फाइल में क्या होता है, आपकी सारी फाइल्स को कंप्रेस किया होता है, आपको इसको क्या करना है, अनकंप्रेस करना, यानी अनजिप करना है। डबल क्लिक करेंगे वो खुद ही दे देगा क्या करना है अनजिप। ये आ गया अनजिप करना है, और ये ऑप्शन आ रही होगी, इसको क्लोज कर दो। और यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, दैट इज एक्सट्रैक्ट का, एक्सट्रैक्ट पे हम क्लिक करेंगे। ये पूछेगा कहां पर इंस्टॉल करना है, जहां पर हमने डाउनलोड कर रखा है, जो अभी डाउनलोड करा है उसी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट पाथ दिखाएगा। अगर आपने वहीं पे ही एक्सट्रैक्ट करना है तो कुछ नहीं करना, ओके कर दो, ठीक है। ये ओके हो गई, इतनी सारी फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गई। जैसी फाइल्स एक्सट्रैक्ट होगी आप क्या कर दो, इस फोल्डर को बंद कर दो। अब ध्यान दो, जहां पर डाउनलोड था यहां पर एक नया फोल्डर बन गया, डबल क्लिक करो, फिर दोबारा डबल क्लिक करो। इसके अंदर ये बहुत सारी फाइल्स हैं, इसमें सबसे पहले थर्ड नंबर दैट इज सेटअप, इसको मैंने डबल क्लिक करा। जैसे ही सेटअप पे डबल क्लिक करूंगा, ये फाइल हमारी इंस्टॉल होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये पूछेगा बैक, नेक्स्ट, कैंसिल, बैक, नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब यहां पर तीन ऑप्शन आ रही है, मॉडिफाई, रिपेयर, रिमूव। तुम आप सिंपल मॉडिफाई करो और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, और उसके बाद नेक्स्ट इंस्टॉल, ठीक है। सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, और इंस्टॉल आएगा तो इंस्टॉल पे क्लिक, और यहां पे फिनिश कर दिया। अब इससे क्या हो गया, हमारा डॉस बॉक्स इंस्टॉल हो गया, यानी टर्बो सी सी प्लस प्लस का कंपाइलर इंस्टॉल हो गया। अब मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया और गूगल क्रोम भी बंद कर दिया, ठीक है। यहां देखो डेस्कटॉप पे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सिंपल क्या करो, यहां पर जो विंडोज है आपके कीबोर्ड पे, विंडोज वाला की होगा उसको दबाओ, या फिर सिंपल यहां पर सर्च में जाओ, यहां लिखो टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है। ये आ गया टर्बो सी प्लस प्लस। अब ये हमारी विंडो ओपन हो जाएगी, इस पर क्लिक कर देंगे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे। जैसे इस पर स्टार्ट करोगे तो ये हमारी फाइल ओपन होगी, यानी कि क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब हम कहां जाएंगे, फाइल में, न्यू में, ठीक है। अब ध्यान देना, अब मैं आपको प्रोग्राम लिखना सिखाऊंगा सी का, कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमने लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखाऊंगा। नेक्स्ट इज हैश इंक्लूड conio.h, ठीक है। और यहां लिख दिया void main, कर ब्रैकेट स्टार्ट, क्लोज कर ली ब्रैकेट स्टार्ट। यहां पर हम लिख देंगे printf gaps classes, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, सेमीकॉलन, लास्ट में getch, ब्रैकेट बंद, क्लोज और कर ली ब्रैकेट क्लोज। अब इससे क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम हमने टाइप कर दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेव करेंगे, फाइल में गए, सेव करा। अब ध्यान देना, आप अगर C का प्रोग्राम लिख रहे हो तो डॉट सी के नाम से सेव होना चाहिए, सी प्लस प्लस का है तो डॉट सीपीपी, तो ये हमारा C का, तो हम डॉट सी लिखेंगे। और यहां पर लिखा रहा है फाइल का नाम, ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, तो आपने
जो देना है आप वो दे सकते हो। अब जैसे मैंने इंस्टॉल करा फर्स्ट प्रोग्राम में, तो मैं यहां लिख देता हूं इंस्टॉल लिख देता हूं, यानी मेरा प्रोग्राम का नाम हो गया install.c, ओके करा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा कंपाइल हो गया। अब हम क्या करेंगे, रन करेंगे, तो करा सॉरी सेव हुआ, अब रन करने के लिए Ctrl+F9, ठीक है, ये आउटपुट आ रहा है। ध्यान देना ऊपर कुछ लिखा आ रहा है, C:Turbo ये पाथ लिखा आ रहा है कहां पर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऊपर वाली लाइन नहीं आए तो क्या करोगे आप, सिंपल यहां क्या लिख दोगे प्रिंट एफ से पहले CLR SCR ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और अब क्या करेंगे Ctrl+F9 और सेव। अब सिर्फ क्या आ गया गैप्स क्लासेस। तो ये हमने सिंपल सा एक प्रोग्राम देखा, साथ में टर्बो को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देख लिया। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सी की पूरी वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारा ये पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इस प्लेलिस्ट को देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, हर चीज को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करा हुआ है। ये कंफर्म्ड है गैप्स क्लासेस की वीडियोस को देखने के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमने असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं वीडियोस के अंदर, असाइनमेंट्स के क्वेश्चन भी दिए हैं, प्रैक्टिकल भी सिखाया हुआ, तो आपको प्रॉपर सही तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और साथ साथ में आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको इस वीडियो में जो सिखाया और आप इंस्टॉल कर पा रहे हो और प्रोग्राम आपका रन हो पा रहा है, तो हमें आपके सिर्फ दो वर्ड्स चाहिए, दैट इज थैंक यू। सिर्फ और सिर्फ आपने कमेंट्स में थैंक यू लिखना है, वो ही हमारे लिए बहुत है। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो जरूर शेयर कर देना, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दो वर्ड्स जरूर चाहिए, दैट इज थैंक यू। तो दोस्तों प्लेलिस्ट को जरूर देखना सी की, जिससे कि आप सही से सीख सको, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।